लुधियाना के दुगरी इलाके में हथियारों की नोक पर अज्ञात लुटेरों ने एक मिल्क एजेंसी में दाखिल होकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। इन बेखौफ लुटेरों ने बिना किसी डर के एजेंसी में दाखिल होकर पहले तो वहां के कर्मचारियों से मारपीट की और फिर हथियारों के दम पर एजेंसी से 2 लाख रुपए लूटे और फरार हो गए। हालांकि लूट की ये पूरी वारदात एजेंसी में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है। इस मामले की जानकारी पाकर स्थानीय पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंच गई, जिन्होंने सीसीटीवी की फुटेज को अपने कब्जे में लिया और दुकान में मौजूद लोगों से घटना की जानकारी हासिल की। इस दौरान एजेंसी के मालिक को काफी चोटें आई हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल दाखिल करवाया गया है। पुलिस की माने तो फिलहाल सीसीटीवी की मदद से दोषियों की तलाश शुरू कर दी गई है। लुधियाना से कैमरामैन रोहित के साथ सुरेश गर्ग की रिपोर्ट। शाम दूध लेने वास्ते आया, दूध लेने वास्ते मैं इतने खड़ा ही हुए हैं। ये पिछो 5-6 मुंडे आए जिन्हां दे हत्थां विच कृपान दात दा डांगा सुटियां सीगियां। आउंदियां ने मुंडा बैठा जा कम ते दुकान ते बैठा सीगा, उहने दा मारना शुरू करते उहदे सुटियां मारी। मैं बंदे कि फड़िया क्यों मारदे आ, उन्हें मेरे बगा सट्टा मेरे डांगा मेरे मारी दो बक्सी मारी मेरे। मैं उत्थे डिपिया, मैं रौला पाया मारता मारता बचाओ लोग बचाओ। फिर रौला मेरा सुन के लोग कट्ठे काफी आ गए। फिर उन लोग सुन गए कैश ही पिया, कैश लैके भज गए। उन्होंने कहा 2.5-3 लाख रुपया ऐसे लुट खो खा के लैके भज गए। गुंडा माफी है, गुंडा राज हैगा, कोई किसी की सेफ्टी है नहीं। सर हम डाका मारा असी खुद, मैं खुद औखा बचा। हमारा लड़का बैठा था दुकान पे, अकेला बैठा था। 5-6 लड़के आए हैं और उनको सिर पे गड़ासा मारा, उसके लत पे भी मारा और 2.5-3 लाख रुपया था गले में, वो सब निकाल के ले गए, ऊपर से नीचे से सब ले गए निकाल के। ये कितने लोग थे और कहाँ से आए थे? 5-6 लोग थे, पता नहीं कहाँ से इधर से आए थे सर, रोड पे क्रॉस करके इधर आए ने। 5-6 बंदे थे। कोई दुश्मनी वगैरह किसी लड़ाई कुछ कोई? हमारा लड़का तो कहीं जाता भी नहीं, हम ना जाने देते किसी के साथ, दुश्मनी कोई नहीं थी उसकी। यहाँ दुकान के अंदर घुस के 3-4 लड़कों ने जतिन एलियस मिट्टू के साथ मारपीट की है और कुछ मामला जो हम वेरीफाई कर रहे हैं, लड़का जो है वो सिविल हॉस्पिटल में चला गया है। हम वहाँ से उसका स्टेटमेंट लेके जैसी कार्रवाई होगी वैसे करेंगे जी। अभी उसके स्टेटमेंट लेंगे, उसको कोई आइडेंटिफिकेशन होगी उसी से पता चल सकेगा जी। मतलब हमलावर ये मतलब किस चीज़ से आए थे, कैसे आए थे, कुछ पता लग पाया? ये व्हीकल पर आए थे, इधर रोड के पास खड़ा करके फिर अंदर घुसे हैं, उसके बाद वारदात करके व्हीकल पर भाग गए हैं। पता लगा लूट भी किया कुछ? मतलब अभी कुछ क्लियर नहीं हुआ, उसके बयान से क्लियर हो जाएगा। अच्छा, ये सीसीटीवी कैमरा वगैरह लगा है तो उसमें कुछ फुटेज वगैरह क्लियर हो पाएगी? वो फुटेज हम अपने पेन ड्राइव में लेकर उसका वेरिफिकेशन कर रहे हैं। यहाँ पर रोड पूरी चल रही है, आप अभी देख रहे हैं रोड चल रही है, लोग भी यहाँ खड़े होते हैं, वो भी वहाँ पर प्रेजेंट थे, उसके बावजूद करके निकलने में सफल हो गए।